हेलो बच्चों, कैसे हैं? और आज नरेंद्र मोदी जी जीत गए हैं इस बहुत बड़ी जीत से, विशाल जीत से। हमारे सीएस प्रोफेशन को क्या फ़ायदा होगा ये जानना ज़रूरी है। और पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारे सीएस प्रोफेशन पे क्या असर पड़ा, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब आपको पता होगा 2013 में कंपनी लॉ नया आया था, और उस कंपनी लॉ में एक ऐसा प्रावधान रख दिया था इन लोगों ने, 1 अप्रैल 2014 से कंपनी लॉ लाना, पुराना कंपनीज एक्ट जो सॉरी नया कंपनीज एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया था, कांग्रेस वाले ने बच्चों, ऐसा प्रोविजन डाल दिया था कि प्राइवेट कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत ही नहीं है, और पब्लिक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत तब है जब उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर हो। तो ऐसा प्रोविजन ये कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ। ये लेके आए थे। उसके बाद बच्चों, हमारे सीएस प्रोफेशन बहुत हाहाकार मच गया होगा। आप में से कुछ जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और उस समय आप सीएस कोर्स से भी एसोसिएटेड थे, तो आपको पता होगा कितना पैनिक हम सब लोगों के बीच में हुआ था। फिर मोदी जी की सरकार आई, 26 मई को शपथ विधि हुई, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, 14 जून को रूल 8A आ गया था बच्चों। और उस रूल में ये कहा गया था कि भाई ऐसी कंपनियां जो रूल 8 के अंदर कवर्ड नहीं है, उन कंपनीज को भी कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम के एमपी की ज़रूरत है अगर उनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है भाई, कंपनी ये जो सरकार रही है पिछले 5 साल में, इसने सीएस के प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा किया है। डेफिनेटली हमारे आईसीएसआई के रिकमेंडेशंस पर ही किया होगा, बट डेफिनेटली जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी को बहुत अच्छा रोल मिला, कंपनीज एक्ट में इतने सारे चेंजेस आ गए, फिर वो शेल कंपनीज को बंद किया गया, फिर डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया, और जैसे कि देखा जाए तो सेबी ने भी सेक्रेटरी ऑडिट में बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह बनाए हैं सीएस के लिए। और ओवरऑल पिछले 5 साल में हमारे प्रोफेशन के लिए काफ़ी कुछ कहा है पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख से कहा था कि हमारे देश के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की है। मोदी जी का आना हमारे प्रोफेशन के, और आपको पता ही है इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉज बनाते रहते हैं वो, अभी बेनामी लास्ट ईयर बेनामी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा लाया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लेके आए, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। GST इज़ अ वेरी गुड एरिया टू प्रैक्टिस इन। तो बच्चों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आने वाला अब बहुत बेहतरीन टाइम आने वाला है। आने वाले 5 ईयर्स में भी बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, ये 5 ईयर्स तो उन्होंने अपने देश का बुनियादी ढांचा काफ़ी मजबूत किया, बट आने वाले 5 साल में आप देखिए नए जॉब्स क्रिएट होंगे, बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, और जब देश किसी देश में स्टेबल सरकार होती है, जब देश के लोगों का, नागरिकों का ट्रस्ट सरकार के ऊपर होता है, तो इससे विदेशी निवेशकों में भी एक नई उमंग आती है, नई ऊर्जा आती है कि चलो यार अपनी पूंजी को भारतीय बाजारों में निवेश किया जाए, भारत में नई नई कंपनियां स्थापित की जाएं। तो अब आपके लिए एक बेहतरीन, एक स्वर्णिम अवसर है कि जल्दी से बी मोटिवेटेड, अच्छे से मोटिवेट होइए, और डेफिनेटली सीएस करिए, मन लगाई करिए। और मोदी जी की रैली बच्चों 67 या 68 की है वो, और मैं अभी देख रहा था उन्होंने कुछ आज 146 इस पूरे चुनाव में 146 रैलीज की हैं राहुल गांधी और उनके जो भी लोग हैं। राहुल गांधी ने आई बिलीव 64 रैलीज की हैं, जितना जैसा कि न्यूज़ में बताया। तो राहुल गांधी आई थिंक 50 ईयर्स के हैं या 48 ईयर्स के हैं, 47 ईयर्स के हैं। मोदी जी उनसे ज़्यादा एज में, बट उनसे नंबर ऑफ रैलीज डबल से भी ज़्यादा की हैं उन्होंने। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत। और मोदी जी ने हमेशा अपनी रैली में कहा कि हम 300 के पार, अब की बार 300 के पार। सबसे पहली चीज़, और बच्चों एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट था मोदी जी का, आपको पता है, जैसे कि यूपी में ये दोनों मायावती और मुलायम ये दोनों इकट्ठे हो गए थे, देन बिहार में तो सारे जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे, सारे ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया था, ममता बनर्जी अपनी पावर में थी, इधर से अपने TDP के लोग अपनी तैयारियां कर रहे थे। कहीं ना कहीं बच्चों मोदी जी का जो फेथ था स्वयं के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी विचारधारा के ऊपर, वो बेहतरीन था। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि यार मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो ऐसा कर दूंगा क्या, जैसे कई लोग सीएस करते करते डाउट करते ना, सर सीएस तो मैं कर रहा हूं लेकिन उतना स्कोप नहीं आगे। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो यार, तुम ये बोलो कि तुमको देख के लोग बोलेंगे कि नहीं यार सीएस करना चाहिए, सीएस में सबसे ज़्यादा स्कोप है।
तो अपनी प्रतिभाओं के ऊपर, अपने कोर्स के ऊपर कभी डाउट नहीं करने का, डू इट विथ फुल हार्ट, फुल डिवोशन। जैसा कि मोदी जी ने कहा, कई लोगों ने कहा कि इस बार बीजेपी हारेगी, बट स्टिल उन्होंने कभी भी, उनके भाषणों में ऐसा नहीं लगा कि वो डीमोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंस उनका कम है। सो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, मेक हिम योर इंस्पिरेशन, अपनी इंस्पिरेशन, मैं तो उनको ही इंस्पिरेशन मानता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट यस, अगर कुछ सीखने लायक है, जैसे मोदी जी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, तो मैं आप सबसे, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं उनका ही देख के उठता हूँ और मैं उनको पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ मुझे उनसे सीखने के लिए मिला है। सो मैं आप सबसे भी कहूँगा, अपने कोर्स के ऊपर विश्वास रखिए, अपने एफर्ट्स के ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि मेहनत ही है जो एक आम इंसान को एक खास इंसान बनाती है, मेहनत ही है जो एक आम इंसान को दूसरों के लिए खास बनाती है, मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ से सब कुछ या बहुत कुछ बनाती है और आपको बहुत कुछ दिलाती है। तो मेहनत करने में, परिश्रम करने में किसी भी प्रकार का आलस्य या फिर किसी प्रकार की भी दुर्भावना अपने मन में मत लाइए बच्चों, मेहनत करते रहिए और आप देखिए मंजिलें और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप CS का कोर्स में ऐसे आपको हक करने के लिए वेट करेगा कि यार एक बंदा जल्दी आइए, मेरे लिए इतना डिवोशन कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी साधना कर रहा है मेरे लिए, तो आपका इंस्टीट्यूट स्वागत करेगी। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, ईमानदारी से एफर्ट्स डालिए और अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी सारी ना आगे बच्चों, आपको मज़ा आ जाएगा, यू विल बी फीलिंग ग्रेट, बहुत अच्छा लगेगा आपको CS करने के बाद। और ख़ुद के ऊपर विश्वास करना मत छोड़िए बच्चों, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमें ठानना है कि हमें करना है। सो प्लीज़ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, आपका कास्ट कोई भी हो, कास्ट से फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हमें ग्रो करना है, हमें आगे जाना है, बात ख़त्म। हम आगे जाएंगे तो हमारी कौम, हमारा कास्ट अपने आप आगे जाएगा। सो प्लीज़ ईमानदारी से जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए और हम जैसे लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच।